हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमएस एक्सेल के कुछ ऑप्शंस, जैसे हम कैसे रो को इंसर्ट कर सकते हैं, रो और कॉलम को कैसे डिलीट कर सकते हैं, कुछ फॉर्मेट के ऑप्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं इंसर्ट। यहाँ से ये सभी जितने भी ऑप्शन हैं पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं, राइट। तो सबसे पहले इंसर्ट, अगर हमें किसी रो और कॉलम को कहीं बीच के टेबल के बीच में भी इंसर्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर हैं कन्वेंस के अंदर, यहाँ पर हम कोई एक अर्जुन के नीचे किसी सेल को ऐड करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे। तो इसको यहाँ पे क्लिक करो, जहाँ पे आप ऐड करना चाहते हो उस कर्सर पे उस सेल के ऊपर क्लिक करो और आ जाओ क्लिक करने के बाद इंसर्ट मेनू में। तो पूछ रहा है क्या इंसर्ट करना है, आपको सेल इंसर्ट करना है तो सेल पे क्लिक कर दो, एक सेल इंसर्ट हो जाएगा। तो ये पूछेगा आपको सेल कहाँ इंसर्ट करना है, राइट साइड में या नीचे, या रो इंटायर रो इंसर्ट करना है, कॉलम इंसर्ट करना है। तो हमें शिफ्ट उसी के राइट साइड में एक सेल इंसर्ट करना है, ओके कर दो। तो आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ पर एक राइट साइड में इंसर्ट हो गया हमारा सेल और बाकी जो पहले के आइटम थे उसको उसने पीछे ढकेल दिया। ठीक है, तो हम कंट्रोल जेड कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, राइट। इसके बाद अगर हमें कोई रो इंसर्ट करना है तो इंसर्ट शीट रो पे अगर हम क्लिक करेंगे तो उसी पूछेगा, देखो यहाँ पे एक रो इंसर्ट कर दिया, वापिस से इंसर्ट शीट रो पे क्लिक करेंगे तो वापिस से एक रो इंसर्ट हो गया, फिर से शीट रो, तो रो हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। सेम ऐसे अगर हमें डिलीट करना है तो डिलीट में जा करके डिलीट रो पर सेट रो करेंगे, देखो डिलीट हो गया तीनों में से दो, फिर क्लिक करो, फिर एक बार क्लिक करो, डिलीट रो, ये जितने भी रो हमने इंसर्ट किया था डिलीट हो गया। सेम ऐसे हम कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट कॉलम, अगर हमें यहाँ पर कॉलम इंसर्ट करना है तो यहाँ पे क्लिक कर दो, इस सेल पे क्लिक करो, अब देखना कॉलम यहाँ पे टोटल के बाजू में पीटी के बाजू में क्लिक हमें मिलेगा, तो इंसर्ट सीट रो। तो ये देखो पीटी के पहले मिल गया एक, फिर से इंसर्ट सीट सॉरी कॉलम, एक और कॉलम मिल गया। सेम ऐसे अगर डिलीट करना है तो डिलीट सीट कॉलम, डिलीट सीट कॉलम। ठीक है, अगर हमें ऐसे कोई सीट इंसर्ट करना है तो हम सीट को भी इंसर्ट कर सकते हैं, देखो इंसर्ट सीट, अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें एक नया सीट मिल जाएगा। सीट मतलब क्या, यहाँ पे हमें बताया था ना एक वर्कबुक के अंदर 255 सीट हम ले सकते हैं, तो अभी हम सीट 1, सीट 2, सीट 3 पर काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमें कोई नया सीट इंसर्ट करना है तो इस प्लस के बटन पर भी क्लिक करके हम सीट को इंसर्ट कर सकते हैं, प्लस यहाँ से भी हम सीट को इंसर्ट कर सकते हैं, लिखा है ना इंसर्ट सीट, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो अभी हमें देखो सीट 4 मिल गया, अभी हम काम कर रहे थे सीट 2 पे, तो सीट 2 पे हमें आना पड़ेगा, सीट 4 बिल्कुल ब्लैंक है, सीट 1 में हमने पहले कुछ करके दिखाया था आपको। ठीक है, तो हम सीट 2 पे आते हैं, अगर सीट को डिलीट करना है तो यहाँ से हम डिलीट आएंगे, डिलीट सीट पे क्लिक कर देंगे, जैसे सीट 4 को हमें डिलीट करना है तो आ जाओ डिलीट, डिलीट सीट, डिलीट हो गया, पूछ रहा है डिलीट, ओके ओके, देखो डिलीट हो गया, सॉरी वो सीट 2 डिलीट हो गया फ्रेंड्स, कंट्रोल आएगा ना क्योंकि वहां से राइट। तो यहाँ से हम सीट को डिलीट कर सकते हैं, और फॉर्मेट की फॉर्मेट मेनू में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यहाँ से हम रो की हाइट सेट कर सकते हैं, कॉलम की हाइट विड्थ सेट कर सकते हैं, डिफॉल्ट विड्थ से रहती है सब, और यहाँ से हाइड और अन हाइड, अगर आप हाइड रो पर क्लिक कर देते हैं जितना एरिया आपने सिलेक्ट किया है उतने एरिया के रो को हाइड वो वहाँ से हाइड कर देगा, मीन्स छिपा देगा, जैसे हम इतने एरिया को रो को हटाना चाहते हैं, जैसे यहाँ से इन दोनों रो में जितने भी वैल्यू हैं सबको हम हाइड करना चाहते हैं, तो हम सेलेक्ट कर देते हैं इन दोनों रो को, और हम आ जाएंगे फॉर्मेट के अंदर, फिर हम आ जाएंगे हाइड, और यहाँ पे हाइड रो पे हम क्लिक करेंगे तो अर्जुन और कमलेश का जो डेटा है वो हाइड हो जाएगा, ये देखो हाइड हो गया। अब हमें अनहाइड करने के लिए फॉर्मेट में आना होगा, फिर हाइड अनहाइड पे आकर के देखो लिखा है अनहाइड रो, अनहाइड रो पे क्लिक करो, देखो आ गया इन दोनों का डेटा यहाँ पे वापिस। तो ऐसे ही हम हाइड और अनहाइड कर सकते हैं रो को भी, और सीट को भी हाइड अनहाइड कर सकते हैं, कॉलम को हाइड अनहाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी ऑप्शन है, यहाँ से हम सीट को रीनेम कर सकते हैं, अभी हमारे सीट का नाम सीट 1 है, यहाँ पे आप चाहे तो इसका नाम बदल सकते हैं। तो ये सभी ऑप्शन है, टैब का कलर, यहाँ से हम अपने सीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पूरे सीट में हम पासवर्ड डाल सकते हैं कि केवल मैं यूज कर सकता हूँ, ऐसे हम सेल को भी लॉक कर सकते हैं इसको। चलो हम कभी शॉर्ट वीडियो में बता देंगे आपको बना करके, अभी हम इसको नहीं बता रहे हैं, यहाँ पे रोक रहे हैं इसको, राइट। यहाँ से हम सेल की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं फ्रेंड्स, राइट। ये हुआ हमारा सेल का इंसर्ट, डिलीट एंड फॉर्मेट। ठीक है, यहाँ से रो की हाइट विड्थ हम सेट कर सकते हैं कस्टमली, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा अभी रो की हाइट 18 है, अगर आप 20 कर दोगे तो रो की जो हाइट है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, हर एक रो की हाइट बढ़ जाएगी ओके कर देने पर। ठीक है, तो हम इसको 20 करके ओके करते हैं, तो ध्यान से देखना आप लोग, रो की हाइट बढ़ गई ना, जिस रो में हम थे उसकी रो की हाइट बढ़ जाएगी। अभी हम इन दोनों रो को सिलेक्ट किया था तो इन दोनों की हाइट मिलाओ और इसको ऊपर की हाइट मिलाओ, इन दोनों की 2% मोटी मिलेगी। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं ऑटो सम, इसमें से हम तो आपको सम एवरेज मैक्स मीन का फॉर्मूला यहाँ पे बताइए, देखो
यहाँ पे हमने बताया ना मैक्स करके ब्रैकेट के अंदर जितना रेंज दोगे उसका मैक्स निकल जाएगा, मिनिमम निकल जाएगा, एवरेज और ऑटो सम, ये सभी हमने सब फॉर्मूला बता दिया, उसको हम यहाँ से भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो हम इसको हटा देते हैं। अगर हम यहाँ पे ऑटो सम में जाएं और इस सेल में क्लिक किए ही हम ऑटो सम में जा करके यहाँ से हम ये अलग से भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। ऑटो सम में जाएंगे ये पूछेगा सम, तो कितने का सम चाहिए, यहाँ पे रेंज में हम स्पेसिफिक दे भी सकते हैं अगर इतने का सम चाहिए, नहीं तो अगर इतने का सम चाहिए तो जितने का सम चाहिए उतना सेलेक्ट कर लो और यहाँ पे एंटर कर दो, तो सम जितना हमने रेंज दिया था उतने का सम हमें देगा। सेम ऐसे ही उतने उस पर्टिकुलर रेंज निकालना है, एवरेज निकालना है, नंबर काउंट करना है सेल का, तो हम यहाँ पे सेल के काउंट नंबर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बताएगा यहाँ पे क्या है R8, तो इसको डाल जैसे हम डाल करके एंटर करेंगे तो यहाँ पर उसको बताएगा इसकी वैल्यू 1, इसके अंदर केवल 1 वैल्यू थी। अगर यहाँ पर हम इसके एरिया के अंदर कुछ पर्टिकुलर रेंज दे देंगे तो पूरे पर्टिकुलर रेंज को काउंट करके बताएगा कि कितना सेल था वहाँ पे, तो 24 था जितना भी हमने रेंज को सेलेक्ट किया था। ठीक है, ये है। फिर क्लियर, क्लियर क्या करता है फ्रेंड्स, चलो हम यहाँ पे अब कुछ फॉर्मेटिंग करके बताते हैं। पहले ऑप्शन देख लो इसमें कितने हैं। क्लियर ऑल से जितना मैटर हम सेलेक्ट करेंगे पूरा पूरा मैटर यहाँ से क्लियर हो जाएगा। क्लियर फॉर्मेट से केवल फॉर्मेटिंग क्लियर होगी। चलो पहले हम कुछ फॉर्मेटिंग करके दिखा देते हैं आपको। जैसे यहाँ पे तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमने यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग कर दिया। इसका बैकग्राउंड कलर हमने क्या कर दिया, रेड, और यहाँ पे इसका टेक्स्ट कलर हमने ग्रीन कर दिया, येलो कर दिया यहाँ से। तो हम क्लियर पे आते हैं। अगर हम क्लियर ऑल कर देंगे, क्लियर ऑल कर देंगे तो क्या होगा, पूरा का पूरा फॉर्मेटिंग मैटर टेक्स्ट सब कुछ डिलीट हो जाएगा। राइट, हम कंट्रोल जेड करके उसको लाते हैं। अब इस बार अगर हम क्लियर फॉर्मेट करेंगे तो केवल फॉर्मेटिंग हटेगी, मीन्स उसका कलर और उसकी जो भी हमने साइज बढ़ाया था वो हटेगा। क्लियर फॉर्मेटिंग से केवल फॉर्मेटिंग हटती है, और अगर हम क्लियर कंटेंट कर देंगे तो केवल कंटेंट हटेगा। कंटेंट मतलब 0, 35, फेल, पास जो हमने लिखा केवल वो हटेगी वैल्यू, और कुछ नहीं हटेगा। तो कंट्रोल जेड कर देते वापस। ठीक है, इसके बाद है अगर हमने कमेंट किया है इसके अंदर तो कमेंट है नहीं तो कमेंट को हटाएगा नहीं, हाइपर लिंक अगर होता तो हाइपर लिंक को हटा देता। क्लियर मतलब हटाना। राइट, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा।